जी बच्ची की मैं स्वास्थ्य चिकित्सा और शिक्षा और उसके विवाह की बात मैंने उठाई है कि मैं अपने उसमें उसको मदद करूंगा। और मेरे इस छोटे से संकल्प के साथ काफ़ी लोग भी आ गए हैं और मुझे विश्वास है कि काफ़ी अच्छे ढंग से उसकी सारी जिम्मेदारी शीघ्र निर्वहन हो जाएगी। हम शीघ्र ही से अरविंदो हॉस्पिटल में भी वहाँ से छुट्टी मिलने पर हम उसको वहाँ एडमिट कराएंगे और उसका इलाज भी करवा सर देंगे। कैसे प्रेरणा मिली, क्या पहले भी मदद करते आए हैं? प्रेरणा मैंने पूर्व में भी मैंने की है। नागदा की एक सूफिया नाम की महिला है, जो मुस्लिम महिला थी जिसके पति ने उसको छोड़ दिया था, उसके विवाह का भी दायित्व हमने उठाया था। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मैं अपने तरह समाज को उस तरीके से लौटा सकूँ जब जिस तरह समाज ने मुझे बनाया है। ठीक है, आने वाले जो पीढ़ी है या आपके थाने के लोग हैं, किस तरह से आप प्रेरणा उनको देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मदद नहीं की थी उसकी? देखिए, पुलिस विभाग में अगर आप कहें तो पुलिस में जितनी संवेदनशीलता बढ़ती है, इन 3-4 दिनों में ना आईजी साहब सोए हैं, ना एसपी साहब सोए, ना हमारा स्टाफ, ना कोई सोया है। लगातार ड्यूटी, लगातार कार्य किया है। बच्ची को जो ब्लड भी है वो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने उपलब्ध करवाया। तो संवेदनशीलता हमारे विभाग में बहुत ज़्यादा है। इसके लिए बड़े बड़े सर्कुलर हमारे डीजी साहब ने जारी किए हैं और बहुत लोगों को सेंसिटाइज किया है इस विभाग में कि वो महिलाओं के अपराधों को लेकर के बहुत संवेदनशील बने। और आप देखिए कि महिला को लेकर के पुलिस विभाग में अति संवेदनशीलता का दौर चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।